सर ये मेरा मेडल जॉर्डन में आया है सर, जॉर्डन अमन सिटी में अंडर 20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में आया है सर। तो किसके साथ था आपका फाइनल? सर मेरा फाइनल मैच वेंजुले के साथ था, 10-0 से फाइट हुई थी सर हमारी। कितना स्ट्रगल किया आपने इसके लिए? सर स्ट्रगल तो बहुत किया है सर, 6 साल हो गए सर मुझे प्रैक्टिस करते हुए। क्या सपना आपका? सर नेक्स्ट ईयर सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में बेल्ट लेके आनी सर। और आगे क्या मतलब लक्ष्य है आपका? ओलंपिक का ही है सर। जिसका सर है किसको देना चाहोगे? सर कोचिज गौरव मेरी फैमिली को सर। लगातार बता रहे हैं लगातार चौथा मेडल है, तो जो आपसे जूनियर खिलाड़ी है उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो सर यही है कि अपनी प्रैक्टिस करो, ज़रूर मेडल आएंगे सर। अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा मेडल आएगा सर। खुशी हो गया? बहुत ज़्यादा खुशी है सर। ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है क्योंकि जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल आना एक मतलब बहुत अच्छे रेसलर का होता है, और वो भी गोल्ड मेडल जीतना जिसमें जापान की रेसलर को हराना और वो उसके बाद फाइनल बाउट को 6-10-0 से जीतना, ये एक बहुत अच्छे रेसलर और उसके वो है श्वेता का। ये अभी इसी सेशन का इस साल का अभी तक का 4 महीने भी हुए हैं अभी, इसमें नेशनल भी हुआ था उसके बाद फिर एशिया जूनियर वर्ल्ड, ये इसका 4था गोल्ड मेडल है। सबसे पहले श्वेता ने सब जूनियर एशिया चैम्पियनशिप में मेडल जीता था वो भी गोल्ड, उसके बाद फिर उसके बाद जूनियर एशिया चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता, उसके बाद अभी सब जूनियर इसी महीने 6 अगस्त को अभी इसने सब जूनियर अंडर 17 की जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी उसमें भी गोल्ड मेडल जीता है, और अभी 14 से जो 20 तारीख में इसमें जॉर्डन में कुश्ती हुई है अमन सिटी में उसमें भी श्वेता ने गोल्ड मेडल जीता है 62 किलो भार वर्ग में, जो 62 किलो भार वर्ग ओलंपिक वेट है वैसे भी, और लेकिन इसके वेट में काफ़ी अच्छा कंपटीशन था जिसमें जापानी रेसलर को इसने बहुत अच्छे बाउट लड़ी है, और फाइनल कुश्ती इसने 10-0 से हराया है। वो बहुत ही अच्छी कुश्ती थी जो बिल्कुल एक मतलब उसमें कोई ज़्यादा पूरा अपना कंसंट्रेशन करके जो इसको बताया था उसने अपना पूरा किया, और मैं इसमें श्वेता का जो इसका प्रैक्टिस करने का आया क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती है, कभी मिस नहीं करती, कभी चाहे कोई अपनी को ये थकावट नहीं बताती जब प्रैक्टिस करती है पूरी जिदारी से, और इसके साथ में जैसे ये पिलाना गांव से है तो इसके ताऊ जी जो इसके साथ इनका बहुत बड़ा एक तपस्या है इनके साथ में, मैं तो यही कहूँगा जो क्योंकि इसके ताऊ जी यहाँ ये जब से छोटी सी थी इसके साथ में 4 साल तो यहाँ हो गए स्टेडियम में, तो इसके साथ हमेशा रहना, सब कहीं भी जाए कंपटीशन हो टूर्नामेंट हो खेल कभी भी हो यहीं आपको देखोगे यहाँ सुबह इसके साथ आते हैं, और उसके बाद डाइट का भी यही करते हैं सारा, बहुत मेहनत करते हैं इनके ताऊ जी हैं ये हमारे पाओ वैसा भी इधर आना ये मेहनत बस मेहनत का तो ऐसे है जी यहाँ से अलग भी प्रैक्टिस करती है एक्स्ट्रा मेहनत भी करती है क्योंकि हम कराते हैं ये अलग 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम तो यहाँ होती है, इसके अलावा भी ये जैसे अपना यहाँ पड़ोस में जैसे इसकी जो इनके रिलेटिव हैं उनके पास में इन्होंने खाड़ा मिट्टी का खाड़ा भी वो है उसमें अपना अलग, क्योंकि हमारे पास मैट्स की सुविधा खाड़ा नहीं है तो ये अपना खाड़े का जैसे खोलने का अलग से अभ्यास करती है, और उसके बाद मैं तो इतना जैसे हमारे जैसे शेड्यूल होता है सेशन जोरों का तो उसमें जैसे हमारे 4 सेशन होते हैं जोरों के लगभग सीनियर जैसे एक सीनियर का हो या जूनियर का उसके अलग अलग शेड्यूल होता है, श्वेता सब में जोर करती है, सब छोटों में भी जोर करती है बड़ों में भी सारे जोर करती है, तो इसके लगभग मैं जोर के अगर वो बात करूं तो मतलब सारे सेशन के जोरों के करती है। साक्षी मलिक ने भी मेडल जीता जी 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 साक्षी मलिक ने भी मेडल जीता था यहीं स्टेडियम से ही उसने प्रैक्टिस करके 2016 में ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और मेरे को लगता है कि जिस हिसाब से श्वेता ने अब सब जूनियर में मेडल जीते थे उसके बाद अभी जूनियर में मेडल जीता है श्वेता ने ये बहुत खुशी की बात है, और मेरे को लगता है कि अभी आने वाला इसका ईयर अभी सीनियर का स्टार्ट हो जाएगा उसमें भी श्वेता बहुत अच्छा करेगी, और मुझे लगता है कि आने वाला जो ओलंपिक या उसके बाद जो आगे एशियन गेम्स वगैरह जो भी आएगा कंपटीशन उसमें श्वेता देश के लिए मेडल जीतेगी और फिर से देश को गौरवान्वित करेगी, क्योंकि श्वेता का जो प्रैक्टिस करने का और जितनी लगन तपस्या से प्रैक्टिस करती है मैं इसको बहुत बहुत बधाई दूंगा, क्योंकि ये इसने जो बाउट लड़ी है वहाँ पे सभी इसकी कुश्ती की बहुत तारीफ़ कर रहे थे, जो कोचिज साथ में गए थे उन्होंने बताया कि हम बहुत मतलब श्वेता ने इतना कॉन्फिडेंस था बाउट से पहले क्योंकि उसने प्रैक्टिस कर रखी थी तो कॉन्फिडेंस था इसके अंदर, तो मुझे बहुत खुशी है एज ए कोच अभिभावक और पूरे सेंटर में बहुत खुशी का माहौल है इसके मेडल को लेकर, सभी बहुत खुश है।
हाँ आज सभी बच्चों ने, सभी सीनियर अभिभावकों ने, सभी सीनियर खिलाड़ियों ने, अभी कोचिज ने सभी सविता का फूल मालाओं से काफ़ी स्वागत, अच्छा स्वागत किया जोरदार। तो हमारे को उम्मीद है कि अभी सविता को हम सीनियर में और मेडल देखना चाहते हैं कि जल्दी से सीनियर की और वर्ल्ड चैंपियनशिप, ओलंपिक्स या जो भी एशियन गेम्स वगैरह आने वाले टूर्नामेंट आगे जैसे जैसे आएंगे इसकी प्रैक्टिस में और जो कमियां उनको पे काम करेंगे और उसमें सुधार करते हुए आगे इसको बढ़ाएंगे सर।